हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आज सुबह के बज रहे हैं, कितने बजे एक मिनट ना देखने दो, 6:22 हो रहे हैं। हम उठ चुके हैं अभी फिलहाल, उठ के सभी उठ चुके हैं। भाई लोग आए थे, एक भाई आया है, एक और आया है, शादी में जा रहे हैं आज। आज तो फिर आज गणेश पूजा है, कल है शादी, आज जाएंगे हम यहाँ से। यहाँ पे तो फिलहाल हम उठे हैं, अभी जाना है हमको, टाइम से निकलना है यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके मतलब उतना जल्दी निकलना है। फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे, अभी नहाया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, पानी भी नहीं है, पानी अभी मोटर चलाई है, पानी भर रहा है, ब्रश भी नहीं किया है। तो गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से मुखानी की तरफ, सभी भाई चले, कैलाश भाई, गोलू भाई, मैं और आगे हमारे मोहित भाई बैठे हुए हैं। निकल गए हैं हम यहाँ से घर को, जाएंगे कल शादी में। तो आ गए सब भैया, मोहब्बत अड्डे में पहुँच चुके हैं यहाँ पे। जी मैं चलते हैं यहाँ से, यहाँ पर गाइस ऐसा कर रहे हैं, बिल्कुल खींच रहे हैं इधर उधर को, बहुत ही कोई टैक्सी वाला है, कोई बसे वाले हैं, तो ये अंकल जी हमको लेके जा रहे हैं। धार कौन से धार, धारी ये दूसरे रास्ते, धारी कह रहे हैं यार, आपको गुरु जाना है ना, बागेश्वर भी जाना है, धारी जाना है हमने यार, हमने धारी जाना है गाइस। मुक्तेश्वर वहाँ से जाएगी ना, दूसरे वाले रास्ते से, हाँ वहाँ हमारी गाड़ी वहाँ है। अल्लाह अल्लाह देखना ने, अरे याद आप है। तो गाइस हम आए थे यहाँ पे मटर गली, आए हैं थोड़ा सामान लेना है हमको, फिर दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली हम बस पे बैठ चुके हैं यहाँ पे, देखो पीछे को कितनी भीड़ है, दो भाई पीछे बैठे हैं, दो भाई हम आगे बैठे हैं, हमने क्योंकि शूट करना था आगे को, शूट करना था, इसलिए हमने बोला उनको कि आगे बिठा दो, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने बिठा दिया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को नहीं बैठा लगता है, मैं जबरदस्ती आ रखा हूँ अभी, पता कोई बात नहीं, हम उनको बोल देंगे ना यार कि शूट कर रहे हैं, थोड़ा शूट करना है। तो मिलते हैं गाइस अब यहाँ से, जैसे ही निकलेगी बस तो फिर देखेंगे कहाँ 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 से जाती है। तो यहाँ से तिकुनिया से शायद बंद है या नहीं है, ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि आज बोटिंग भी खुल रही है, तो इस वजह से पता नहीं हमको अभी कहाँ को जाना है, इस रास्ते भी जा सकते हैं या उस रास्ते भी जा सकते हैं, देखेंगे किस रास्ते जाती है, तो दिखाते हैं आपको फिर आगे का सीन। पहाड़ का आज पहाड़ जा रहे हैं, मतलब इतनी दिख खुशी हो रही है, मतलब बता नहीं सकते आपको, आगे जैसे जाते रहेंगे आगे पहाड़ आएंगे, व्यू आएंगे अच्छे अच्छे, फिर देखेंगे क्या होता है। मिलते हैं गाइस आज को, देखते हैं ठीक है। जैसे यार हम यहाँ से निकल चुके हैं बस अड्डे से, आज तो यहाँ से तो बंद है, यहाँ से जा रहे हैं आज गोला से जाएंगे हम, हाँ गोला से जाएंगे, क्योंकि तिकुनिया में आज बोटिंग है ना, इसी वजह से बंद है आज, वहाँ से रोड बंद की है, तो आज हम यहाँ से जाएंगे। उसमें भी आ रखा था, न्यूज़ में अखबार में भी तो आ रखा था। तो गाइस यार यहाँ पे तो लगाया है फाटक अभी, और पता नहीं कितना टाइम लगता है यहाँ से, ट्रेन आती है, दिखा दें आपको ट्रेन, उनको इतनी जल्दीबाजी, और यहाँ से ऐसे बाइकें निकाली जा रही हैं, आपको दिखाता हूँ, देखना बहुत जल्दीबाजी है, कैसे बाइकें निकाल रहे हैं, तिरछी तिरछी करके बाइकें निकाल रहे हैं भाई, और ये वाह मौज कर दी, हैप्पी ड्राइवर हो भाई आप, तो थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको, ये आ रही है, ट्रेन आ चुकी है, छोटी आ रही है। तो फाइनली गाइस हम आ गए यहाँ पे, काठगोदाम यहाँ पे रानीबाग,
एक रोड नैनीताल नैनीताल को जाती है, एक रोड भीमताल को जाती है। तो हम जाएंगे यहाँ से, यहाँ इस वाले रोड से नहीं जाएंगे, ये बहुत लंबा पड़ता है यहाँ से। ये गए हम नीचे को, यहाँ से अभी और हैं बहुत सारा। यहाँ से आप मिलते हैं यहाँ से। गाइस हम पहुँच चुके हैं, पहाड़ लगना शुरू हो गया यहाँ से। अभी हम रानीबाग से ऊपर को जा रहे हैं। आप दिखाते हैं आपको भीमताल, दिखाते हैं। इंतजार करो इंतजार। भीमताल आपने देख लिया होगा, इतना अच्छा है, सुंदर है, बहुत अच्छा है। वहाँ से आगे को निकल चुके हैं बाईपास से, क्योंकि यार सना बाजार से तो आने नहीं देते पुलिस वाले, ठीक है। बाईपास से आते हैं, बाज़ार से ऐसा होता है भीड़ बहुत होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भीड़ की वजह से नहीं आने देते, तो ये बाईपास से आते हैं। तो गाइस ये है बाईपास, ये है बाज़ार वाली रोड। अगर हम बाज़ार से आते हैं तो सीधे यहाँ पर आते हैं, ये पीछे से आते हैं। तो यहाँ पर खुटानी में हैं, अभी हम खुटानी में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर 5-10 मिनट मतलब रुकेगी, किसी को कुछ लेना है या किसी ने कुछ चाय हाय पीनी है तो पी सकता है। यहाँ पे रुकेगी बस, केवल मतलब 10 या 15 मिनट, बस उससे ज़्यादा नहीं रुकेगी। तो गाइस हम भी कुछ खा लेते हैं या पानी पीनी पी लेते हैं, क्योंकि सुबह से ना नाश्ता किया है ना कुछ किया है, तो यहाँ पे रुकिए तब तक, थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ कर उतरते हैं। चलो हमारा तो ये यहाँ से है उतरने वाला भी, तो पीछे वाला हमने छोड़ रखा, आज हम यहाँ से उतरेंगे। एक मिनट, ये बैग को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो उतरते हैं यहाँ से नीचे। ये छलांग लगानी पड़ती है, उतर, बंद कर दे, बंद कर दे। तो जाते हैं, देखते हैं बाहर कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं यहाँ पे। तो गाइस बैठ चुके हैं हम बस में, मस्त चाय चुई पी के, बिस्कुट खा के मस्त बैठ चुके हैं। अब चलेंगे, अभी तो फ़िलहाल तो आए नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा है, हम ही चला देते हैं आज, हम ही ले जाएंगे बस को, हाँ हम ही ले जाए बस। तो भैया आ चुके हैं, अब चलेंगे यहाँ से। यहाँ से कितने किलोमीटर है अभी? सारी 10 या 12 किलोमीटर है ना भाई, ज़्यादा हो, ज़्यादा 13-14 होगा 15-16 होगा, मतलब जितना भी होगा मतलब पहुँच जाएंगे अभी। Thank you.
हम पहुंच चुके हैं पदमपुरी। अब चाहे जिंदगी ऐसी जी, अब चाहे जिंदगी है। ऊपर चढ़ना है, हमें ऊपर ऊपर चढ़ना है। तो गाइस इसी के साथ यार बैंक में जा चुके हैं। हेलो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। यार देखो यहाँ से अभी बहुत दूर है, ऊपर चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि ये लंबा बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा फिर ब्लॉग। अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे फिर, क्योंकि इधर देखो कितना मस्त व्यू है। नदी तो दिखा, ये कैमरा मैन थोड़ा हल्का है मेरा, अभी अभी इसने ज्वाइन किया ना। तो ये देखो पीछे नदी है पूरी, इस साइड को भी नदी है। यहाँ से नीचे को यहाँ से आती है, यहाँ से जाती है नीचे को। तो बाय बाय, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और यार शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय।